नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता न देने पर भारत की कार्रवाई से सख्त है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटेन से आने वाले लोगों को 10 दिन के लिए आवश्यक रूप से क्वारंटाइन रहने का ऐलान। ब्रिटेन ने कहा भारत को जारी रखेंगे सहयोग। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने गांधी जयंती पर किसानों को नसीहत दी। कहा किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती, आंदोलन को संयम में रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर। योगी ने कंगना से कहा कि वह अयोध्या आए और भगवान श्री राम के दर्शन करें। कंगना बोली रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा कि यहाँ पर राज रहे और आपको बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। मनीष गुप्ता केस में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। 27 सितंबर की रात गोरखपुर में हुई थी मनीष गुप्ता की मौत। परिजनों ने कहा गिरने से हुई मनीष की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में सपा नेता हर्ष यादव की सनसनीखेज हत्या। गोली से पंचर की कार बाहर निकला तो गोली मार कर ले ली जान। आरोपी फरार, तनाव देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 90.67 करोड़ लोगों को मिली कोरोना वैक्सीन की खुराक। शुक्रवार को दी गई 62 लाख से अधिक खुराक। आमतौर पर शासन और प्रशासन तभी जागता है जब कभी हादसा होता है या फिर कोई बड़ी घटना घटित होती है। बदहाल सड़कों के कारण हो रही मौतों ने आखिरकार इंदौर प्रशासन को गहरी नींद से जगा ही दिया। मौत के बाद जागा इंदौर प्रशासन, अब भरे जाएंगे मौत के गड्ढे। अंतिम ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को भारी पड़ी फील्डर की गलती। शाहरुख ने छक्का मारकर पंजाब को कोलकाता पर दिलाई जीत। शाहरुख का छक्का देख खुश हुई प्रीति जिंटा। अमेरिका के एक संग्रहालय ने काठमांडू के कांकेश्वरी मंदिर की 10वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति नेपाल को लौटाई। 13 इंच ऊंची इस मूर्ति को 1995 में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में भेजा गया था। तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।